गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली, ग्रहों का खेल कार्यक्रम के हमारे लाइफ स्टाइल वास्तु सीरीज के 9वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस मंत्र का आशय है, जो कपूर जैसे गौर वर्ण वाले हैं और करुणा के अवतार हैं, भुजंगों यानी सांपों का हार धारण करते हैं और वे भगवान शंकर माता भवानी सहित मेरे हृदय में हमेशा निवास करें और उन्हें मेरा प्रणाम है, मैं नमन करता हूं। इसलिए आप लोगों को भी अब नमन करना चाहिए। आज का मेरा जो विषय है, हम बात करेंगे कैसे एक कपूर से हमारे जीवन में बंद किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं और घर में वास्तु दोष भी दूर हो सकता है। कपूर सनातन धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। हवन करने के लिए आरती के दौरान कपूर के बिना धार्मिक कार्य अधूरा माना जाता है। वैज्ञानिक तथ्यों के मुताबिक पूजा या हवन करते समय जब हम कपूर जलाते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। कपूर को घर के वास्तु के लिए काफी शुभ माना जाता है और वास्तु दोष के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए घर में इसे रखा जाना अति आवश्यक है, ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए और सकारात्मक ऊर्जा जनरेट हो जाए। कई बार वास्तु दोष की वजह से भी घर में धन की बचत नहीं हो पाती। इस समस्या को दूर करने के लिए घर के किसी दो कोनों में कपूर की एक एक गोलियां रख दें। जब ये कुछ दिनों में गल जाए यानी कम हो जाए तो दोबारा वहां गोलियां रख दें, और ये काम अगर आप थर्सडे करेंगे तो सबसे अच्छा। ऐसा करने से दोष भी दूर होगा और मां लक्ष्मी की कृपा हर कोने में आएगी। दूसरा, देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जलाना शुभ रहता है। तीसरा, कई लोगों की जन्म कुंडली में पितृ दोष, प्रेत दोष, श्रापित दोष, काल सर्प दोष, ग्रहण दोष, विष दोष, चांडाल दोष ऐसे दोष होते हैं और इसके चलते उनके घर में तरक्की नहीं हो पाती है, हर कार्य में बाधाएं आती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए रोज रात में घी में भीगे हुए दो कपूर जलाएं। ऐसा करने से राहु केतु का प्रभाव भी कम हो जाएगा। चौथा, यदि किसी व्यक्ति के काम में लगातार अड़चनें ही आ रही है तो इसे दूर करने के लिए बुधवार को कपूर और मिश्री का दान करें। इससे आपके जीवन में चल रही मुसीबतें खत्म हो जाएगी और मनचाही नौकरी और नौकरी में मनचाहा पद भी मिल सकता है। पांचवा, अगर शादी में दिक्कतें आ रही है तो 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लेकर उसमें हल्दी और चावल मिला लें। अब इस मिक्सचर को माँ दुर्गा के पाठ करते हुए हवन में आहुतियां दें, इससे जल्दी आपकी शादी हो सकती है। छठा, अगर आप अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं, जो हर कोई चाहता है, तो इसके लिए 12 साबूदाने लेकर कपूर की मदद से इन्हें जला दें। यह उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन शाम को, किंतु अगर बृहस्पतिवार को किया जाए तो अधिक शुभदायक रहता है। सातवां, अगर आपके घर में धन तो आता है लेकिन दरवाजे से धन आया और खिड़की से निकल गया, अनचाहे खर्च जल्द से जल्द हो जाते हैं, इसके लिए सूर्य अस्त के समय कपूर का दीपक जलाना शुभ रहता है। उसे सारे घर में घुमाइए। अंत में तुलसी पर आरती करके घर के मंदिर में स्थापित कर दें, इससे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। अगला प्रयोग, घर में बुरी ऊर्जा, बुरी संगत, कई बार नेगेटिव अप्रोच के साथ इंसान घर में आता है, क्लेश बढ़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि घर से कोई मेहमान जाता है और क्लेश शुरू हो जाता है। इसके छुटकारे के लिए कपूर का प्रयोग करना शुभ रहेगा, और इसके लिए थोड़े से गंगा जल में कपूर मिलाकर मेन गेट पर छिड़क दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा और किसी के मन में ऐसे बुरे विचार होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। अगला प्रयोग, यदि आपके पास धन की कमी हो या धन की समस्या से जूझ रहे हो तो आप रात के समय में चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग को जलाएं। इसे कुछ दिनों तक रोज करें। इस उपाय से आपको पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। अगला प्रयोग, जब हजार कोशिशों के बावजूद भी काम नहीं बनते, 3 दिन का काम 13 दिन में नहीं होता है, तो ऐसे में कपूर आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को खोल सकता है। क्या करें, शनिवार के दिन कपूर के तेल की बूंदों को पानी में डालें और फिर इस पानी से रोज स्नान करें। यह आपके बंद किस्मत को खोलते हैं।
और आपको बीमारियों से बचाते हैं। अगला प्रयोग, घर में यदि सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण करना चाहते हैं, और वो अगर लगाना गलत है, सब चाहते हैं, लेकिन अगर सब कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर को घी में भिगोकर जलाएं और संपूर्ण घर में इसकी खुशबू फैलाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा तो खत्म होगी और जो आपके प्रति दुर्विचार रखते थे, दुश्मन, आपको दुखी करने वाले काम करते थे, उनके दुश्मनी खत्म हो जाएगी। और जो बुरे सपने आते थे, हमेशा एक अज्ञात भय बना रहता था, वह खत्म हो जाएगा। और वैज्ञानिक शोधों से भी यह ज्ञात हुआ है कि इसकी सुगंध से जीवाणु, विषाणु आदि बीमारी फैलाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है तथा बीमारी होने का भय नहीं रहता है। अगला प्रयोग, पति पत्नी के बीच तनाव को दूर करने हेतु रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपनी पत्नी के तकिए में कपूर की दो टिकिया रख दे। सुबह होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर किसी भी स्थान पर फेंक दें, रख दें तथा कपूर को निकालकर शयन कक्ष में जला दें। इससे दोनों के बीच में जो टकराव था वो खत्म हो जाएगी और प्यार, इश्क और मोहब्बत का संचार होगा। प्रिय साथियों, है तो छोटा सा एक कपूर, लेकिन आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। आज के लिए इतना ही। लाइफ स्टाइल वास्तु सीरीज के 10वें एपिसोड में अगले गुरुवार को कुछ नए प्रयोग के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव। अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, ना केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान, कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।